तो ये नंदी दर्शन है। दोस्तों अब मेरे को बिल्कुल सही एंगल मिला है, इस तरह से है हमारे भोलेनाथ सामने बिल्कुल कमलेश्वर। लाइन लगी हुई है जिसमें अब हम लग के आए हैं, पहले तो बगल लाइन के आए थे, दर्शन ठीक से हो नहीं पा रहे सामने। ये शिवलिंग का इस वक्त जो हम पहले गए थे ना, छतर लगाया हुआ था इसके ऊपर, अभी हटा दिया है, तो ये इस वक्त इसके अंदर से पानी निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था ना बाहर डमी, तो ये ओरिजिनल है, ऐसा ही है अंदर बिल्कुल सेम। श्रृंगार हो रहा है। दोस्तों ये है मंदिर का मॉडल, ये वो नंदी है, ये वाला जो एरिया है ये वो नंदी है जिसमें जहाँ पर हम गए थे, उसके बाद ये मेन अंदर का गर्भगृह आ जाता है। ये इस तरह से है मंदिर का जो डिज़ाइन है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हमारा दूसरा दिन है त्र्यंबकेश्वर में, कल हम लोग बहुत थक चुके थे तो इसलिए वीडियो का मैंने एंड किया नहीं था और हम लोग सो गए थे, और तो आज हमारा सेकेंड डे है त्र्यंबकेश्वर में। अब इसके बाद हमारे श्री श्री 1008 अंकित कपूर जी की इच्छा जागी है कि वो एक बार फिर से जाएं और मंदिर के दर्शन करके आएं, तो हम लोग तथाकथित इनके पीछे पीछे चल दिए हैं और जाके मंदिर के हम करेंगे दर्शन एक बार, और जब यहाँ हैं बाबा ने बुलाया है तो एक बार और क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं एक बार त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने। अभी आपको कल रात का दिखाया था, अभी आपको सुबह का नज़ारा दिखाएंगे कि मंदिर में किस तरह से सुबह का क्या नज़ारा है, और उसके बाद के हमारे फर्दर प्लान्स हैं। यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग शिरडी, और जो भी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब या तो ऑन द वे करेंगे या शिरडी जाके करेंगे डायरेक्ट। तो अभी के लिए आप पहाड़ देखो और हम मंदिर की तरफ चलते हैं। दोस्तों कल जो आपको हमने एंट्री दिखाई थी, दर्शन कराए थे ना, वो VIP थे, वहाँ से आप VIP टिकट लेते हो और तब आप जाते हो। ये है जेन्युइन ओरिजिनल रास्ता जहाँ से सब लोग जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो आज ये वाला रास्ता दिखा देते हैं। सुबह सुबह सामने पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इस रास्ते से आप जाते हो जो कि ओरिजिनल रास्ता जाता है जाने का सबका रास्ता है। वो जो पिछली बार दिखाया था वो VIP रास्ता था। जो लाइन जा रही है ये लाइन क्रॉस करके यहाँ से आएगा मंदिर का गेट। ये बात कल बताई थी आपको, यहाँ पर जैसे आप शिवलिंग को देखोगे तो नॉर्मल शिवलिंग दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव में तीनों आपको दिखते तीनों फॉर्म नज़र आती हैं, जिसमें आपके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं इसमें।
सब काफी काफी पुरानी पुरानी मूर्ति है ना ये, जब मंदिर बना था तब की है, तो कोई आज की हजारों साल पुरानी आज की तो है नहीं। कल आपको रात को दर्शन कराए थे नंदी जी महाराज के, ये भी देख सकते हो सुबह सुबह के दर्शन। दोस्तों आज फ़ोन अंदर लेके नहीं जाऊंगा, इसलिए आपको सुबह सुबह का ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नज़ारा। शंभो शंकर नमः शिवाय। दोस्तों ये है कुछ इस तरह सुबह सुबह, इससे पहले कोई डांटे कल की तरह हम कर रहे हैं फोन बंद, बस दर्शन करेंगे सीधा। ये देखिए दोस्तों ओम कितना खूबसूरत बना रखा है पहाड़ पे, और जैसे कि अब हम निकल गए हैं, अब यहाँ से सीधा शिरडी जाएंगे, शिरडी से सिंगापुर, वहाँ से गिरनेश्वर, और फिर अपना वापस पुणे। तो भाई निकल गए हम लोग, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया ओम दिखाया, वहाँ पर्वत पे ना ओम बना हुआ है बहुत बड़ा, जैसे ओम पर्वत पे ओम बना हुआ, तो नेचुरल खेल बर्फ़ से बनता है अपने आप, तो यहाँ पर भी बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम दोनों अब निकल गए हैं यहाँ से सीधा, यहाँ से शिरडी जाएंगे और फिर वहाँ से घृष्णेश्वर जाएंगे। तो देखो पहुँचते हैं, निकलते हैं यहाँ से, 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी हमने यहाँ से कुछ खाया पिया नहीं, नाश्ता नहीं करा है। थैंक्स टू अंकित, तो अंकित ने मुझे इतने दर्शन कराए, ज्योतिर्लिंग के घुमाए। मैं पुणे आता रहता लेकिन कभी जाता नहीं, इतना मुझे पता था, आसपास के टेम्पल्स वगैरह देख लेता। तो चलते हैं मिलते हैं। तो शिरडी से थोड़ी सी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर पहले रुके हैं, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये पीछे एक जगह है साई माया करके, यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए, खाएंगे और तब नाश्ता करेंगे। नाश्ता ही करा तो खाया भी नहीं है, तो ये लगा दिए गाड़ी यहाँ पर है ना, ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुछ खाएंगे हल्का फुल्का। ये आसपास का नज़ारा है, बस चलते हैं अंदर चलेंगे यार, कुछ खाएं पिए, भूख लग रही है बहुत तेज यार। हम दोनों दर्शन करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं द्वारका माई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसने मुझे पहले ही बताया था गर्मी बहुत होगी, और वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा दिखा देता हूँ रास्ता, कैसे रास्ते से हम गए थे, क्योंकि यहाँ अंदर अलाउड तो है नहीं, क्योंकि जितना हो सकता है उतना दिखाई दे सकते हैं। ये रास्ता है सारा, उधर से वो VIP वाली लाइन है, ये वाली जहाँ से आप कूपन लेते हो, VIP कूपन यहाँ से लिया जाता है, और VIP कूपन लेके उसके बराबर में उधर से लाइन चल रही है, वो लोग जा रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा उधर से वो जा रहे लोग, वहीं से वो सीधा अंदर निकल जाते हैं मेन बीच में से। तो अभी हम जा रहे हैं द्वारका माई, जहाँ तक जा सकता है कैमरा वहाँ तक दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले जब मंदिर गए थे अंदर तो कैमरा फ़ोन सब बाहर ही रख लिए थे। ये गेट नंबर 2 है मंदिर का, जैसे होता है नॉर्मल मंदिरों के आसपास दुकानें हैं, मार्केट हैं, खाने के स्टॉल्स हैं, मॉल्स हैं, कमर्शलाइज हो गया है लगभग एरिया सारा, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं, तो सब कुछ नया नया सा हो गया है। दोस्तों ये आ गई हमारी द्वारका माई, लाइन तो बहुत लंबी है, निकले उतार दो।
लाइन में लग जा भाग के। हम निकल चुके हैं शिरडी से दर्शन करके और अब हम जा रहे हैं, ये समृद्धि मार्ग है जो कि नागपुर से मुंबई के बीच का रास्ता है और अभी नया बना है, इसको लेके जाएंगे सीधा हम ग्रीनेश्वर। दोस्तों साईं बाबा मंदिर पे तो कोई वीडियो हम बना नहीं पाए शिरडी साईं मंदिर पे, क्योंकि वहाँ पर कैमराज अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके से फ़ोन अलाउड नहीं है। ऐसे बहुत से हिंदू टेम्पल्स हैं हमारे और ये अच्छा ही है जहाँ पर फ़ोन कैमराज किसी भी तरीके से कुछ भी अलाउड नहीं है और अंदर आप नहीं ले जा सकते। उसके बावजूद हम जो द्वारका माई गए वहाँ हमने बाहर बाहर का थोड़ा सा शूट करा, अंदर वहाँ भी अलाउड नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही देखा वहाँ पर जो भी कैमरे जो मतलब थोड़ी कैमरे में दिखा पाया। हम तो खैर सारे दर्शन करे, खुले दर्शन करे बाबा के, पूरा लाइन से लग के अंदर जाके काफ़ी देर तक हम लोग, मैं और अंकित अंदर ही बैठे हुए थे। उसके बाद हम द्वारका माई गए जो थोड़ी बहुत मैंने शूट करा है, बाकी बाहर निकलने के बाद हम ज़्यादा देर रुके नहीं। और जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, फ़िलहाल अभी जिस हम मार्ग पे हैं बहुत खूबसूरत है, रास्ता भी नया बनाया है, तो इसी को लेकर सीधा हम ग्रीनेश्वर जाएंगे और ग्रीनेश्वर से कोशिश करेंगे कि रास्ते में हमको शिंगलापुर पड़ेगा तो हम शिंगलापुर भी 5-10 मिनट दर्शन करके निकल जाएं। तो ठीक है, मिलते हैं अभी ग्रीनेश्वर में। और जहाँ तक मुझे अभी पता चला है, अंकित ने बताया, वहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, जितना जहाँ तक होगा वहाँ तक तो चलेंगे ही, बाकी सब ठीक है। चलो मिलते हैं वहाँ पर सीधा। हाय, क्या हाल है दोस्तों? थोड़ा थोड़ा थक ज़्यादा रहे हम लोग, बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रही है ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग कृष्णेश्वर मंदिर के आगे से जस्ट निकल के आए हैं, वहाँ से दो किलोमीटर की दूरी पर है ना अजंता केव्स हैं, अलोरा केव्स हैं। तो इस वक्त हम करें अलोरा केव्स के बाहर, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो ये एंट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण हमें पता नहीं था और आज मंगलवार है और ये बंद रहता है। तो आप देख सकते हो ये मेरे ठीक पीछे ये सारा ये अलोरा केव्स है, ये एंट्री है यहाँ से और इसके ऊपर लिखा है एवरी ट्यूसडे क्लोज्ड। तो बस वो हम देख ही नहीं सकते, वो हम जा नहीं सकते, तो इसलिए हम जो है जितना देखते हैं कहाँ जा रहे हैं अंदर का, यहाँ से निकालते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग और अब बस गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, यहाँ से अब हम जा रहे हैं ग्रीनेश्वर अंदर। टेंपल आपको दिख रहा होगा, आगे मंदिर नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा बैक टू बैक जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग क्योंकि मुझे जाना भी है वापस, तो बस उसके लिए ही हम लोग आए हैं ताकि जल्दी जल्दी सब मंदिर दर्शन करें और जाएं। तो अभी देखो यहाँ भी शायद फ़ोन अलाउड नहीं है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक तो जाएंगे, फिर आपको बताते हैं।